तो स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल और बच्चों दिस इज बी वीडियो नंबर थ्री ये बी का वीडियो नंबर थ्री है जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी ठीक है ना बी ओ कंपोनेंट के अंदर मैं आपको बेसिक कैपिटल और करंट अकाउंट समझा चुका था अब इस चैप्टर में बच्चों एक आखिरी कंसेप्ट रह गया है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम देखो ऑटोनोमस मतलब क्या होता है इच्छा से ऑटोनोमस मतलब होता है इच्छा और अकोमोडेटिंग मतलब होता है मदद करना मेरी बात फिर समझना autonomous मतलब होता है इच्छा से और अकोमोडेटिंग मतलब होता होता है 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 मदद करना ठीक अब क्या होता है? हम लोग जब बात करते हैं ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग की तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है वो सारे ट्रांजेक्शन मैंने क्या बताया ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बीओपी में अगला कंसेप्ट है बच्चों ऑटोनोमस ऑटोनोमस मतलब होता है इच्छा आ? और अकोमोडेटिंग मतलब होता है मदद करना ठीक है अब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है वो सारे ट्रांजेक्शन जो अंडरटेक होते हैं बाय प्राइवेट एंटरप्राइज और उनका सोल पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना मेरी बात फिर समझना ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन मतलब होता है ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर अंडरटेकन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज एंड द सोल सोलप इज टू अर्न द प्रॉफिट उनका सोल पर्पज है प्रॉफिट अर्न करना ठीक है ना इन ध्यान रखना ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन रेफर टू ऑल दोशन विच आर अंडरटेकन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज अर्निंग प्रॉफिट एंड ऑल्सो नोन एज अब द लाइन आइटम ठीक है तो ऑटोनॉमस आइटम का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना ऑटोनोमस आइटम रेफर टू ऑल दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑटोनोम मतलब वो सारे इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अब ऑटोनोमस मतलब होता है वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिनका मेन पर्पज क्या है प्रॉफिट अर्न करना दे आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम इसको अबव द लाइन भी कहा जाता है अब ये ध्यान रखना क्योंकि ये एंटर होते हैं बाय प्राइवेट एंटरप्राइज तो दे आर नॉट कंसर्न विद डेफिशिट इन बीओपी ठीक है ना तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर इनडिपेंडेंट ऑफ द बीओपी मतलब इसको बीओपी से कोई मतलब नहीं है बी ओ पी डेफिश हो या सरप्लस हो तो ऑटोनोमस से कोई मतलब नहीं है तो इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी फॉर एग्जाम्पल इफ अ फॉरिन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मान लो एक फॉरन की कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट

तो ध्यान रखना ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिनका मेन पर्पज़ है प्रॉफिट अर्न करना वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिनका मेन पर्पज है प्रॉफिट अर्न करना विच आर अंडरटेकन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज एंड ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम तो ऑटोनोमस मतलब वो सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच आर अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इसको अबव द लाइन भी कहते हैं और दीज आर अंडरटेकन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज ठीक है ना अब क्या होता है अगर मैं बात करता हूं अकोमोडेटिंग की तो अकोमोडेटिंग मतलब होता है मदद करने वाले ट्रांजेक्शन मान लो यहां पे कोई नुकसान हो गया तो वो सारे ट्रांजेक्शन अकोमोडेटिंग इट रेफर टू द ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिशिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन मतलब यहां डेफिशिट है सरप्लस है उसको कवर करने के लिए अकोमोडेटिंग दैट इज सच ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इन ट्रांजेक्शन होंगे तो ये वाले ट्रांजेक्शन डिपेंड करेंगे मान लो कोई प्राइवेट एंटरप्राइज ने इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉस हो गया

then this deficit is settled by capital inflow from abroad. The source to meet are foreign exchange or borrowing from IMF. मतलब source क्या होगा? मालूम है उधर deficit है, तो क्या होगा? आप बाहर से तो borrow करो, या फिर आप foreign exchange reserves को use करो। आई बात समझ में? तो autonomous मतलब क्या हुआ? Private enterprise profit motive है above the line बोला जाता है. Accommodating मतलब मदद करने वाला transaction below the line बोला जाता है. Compensating capital transaction है जो इसको disequilibrium correct करने में काम आता है, ठीक है ना?

दिस ट्रांजेक्शन अंडरटेन टू मेंिसे प्लेस ऑन बोथ करंट एन कैपिटल ऑटोनोमस करंट पे भी होता है कैपिटल पे भी होता है और यह मेनली कैपिटल अकाउंट पे होता है इसको अब द लाइन भी बोला जाता है इसको बिलो द ला लाइन भी बोला जाता है तो यह अच्छे से याद कर लेना आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है ना यह वाला टॉपिक नहीं है डेफिशियट इन बीओ पी ये करने की नीड नहीं है ठीक है ना तो यह अपना एक ओवरऑल एक बार बीओ पी कंप्लीट होता है अब बीओ पी के अंदर कुछ क्विक रिविजन है कैप्सूल नोट आपको नोट पीडीएफ फॉर्म में दे रखे हैं वीडियो नंबर वन के अंदर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बी ओ पी क्या होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड इकनॉमिक ट्रांजेक्शन विजिबल होते हैं इन विजिबल यूनिटर और कैपिटल बी ओ टी इज डिफरेंट विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट करंट अकाउंट अलॉट करता है सारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और यून लेट्रल ट्रांसफर करंट अकाउंट के मेजर कम्पोनेंट गुड्स होगा सर्विसेज होगी यूनिटरल और इनकम रिसेप्ट और इनकम पेमेंट कैपिटल अकाउंट मतलब सारे ट्रांजेक्शन जो अट और लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज करता है Component ऑफ कैपिटल प्राइवेट ट्रांजेक्शन official बैंकिंग कैपिटल फॉरन डायरेक्ट में पोर्टफोलियो ऑटोनोमस मतलब वो सारे जो वो सारे जो deficit और कवर करने का काम आता है, ठीक है ना तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने अभी बीओपी के अंदर डिस्कस किया ठीक है ना अब मैं कुछ और क्वेश्चन जो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ तो इस वीडियो में आपका बीओपी का, का काम पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के तो ध्यान देना ट्रू और फॉल्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लोन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू जापानीज गवर्नमेंट अब इंडियन गवर्नमेंट ने लोन का रीपेमेंट किया जापान की गवर्नमेंट को विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेडिट आइटम बताओ रीपेमेंट किया लोन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू जापानीज गवर्नमेंट क्या क्रेडिट क्रेडिट में हमेशा इन्फ्लो होता है तो ये क्या होगा फॉल्स होगा तो रिफ्लेक्टेड डेबिट आइटम सिंस इट लीड टू आउटफ्लो फॉरन एक्सचेंज इसमें क्या होगा आउटफ्लो होगा तो अगर इनफ्लो होगा तो ही तो क्रेडिट होगा अकोमोडेटिंग आइटम ऑफ ट्रेड आर अंडरटेक इन ऑर्डर टू मेंस बीओपी सही बात है बताया था अकोमोडेटिंग आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन टू करेट डिसम इन बीओपी फॉर एक्सेंड रिस बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट अब एक्सपोर्ट ऑफ जूट है तो क्या कैपिटल में रिकॉर्ड होगा फॉल्स इट इज अम्पोनट ऑफ करंट अकाउंट करंट में होगा गुड्स की बात आ गईनोमस आर ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन नहीं ऑटोनोम इज नोन एज अब द लाइन फॉल्स यूनिलेटरल ट्रांसफर मेड टू अब्रॉड विल रिकॉर्ड एज डेबिट आइटम ऑफ बी ओ पी ऑन करंट अकाउंट अब यूनिलेटल ट्रांसफर हमने किया अब्रॉड को क्या उसको डेबिट आइटम रिकॉर्ड करेंगे क्या बीओ पी के अंदर यूनिलेटर ट्रांसफर टू अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम अब अब्रॉड में भेजा तो आउटफ्लो है तो आउट फ्लो इज द ट्रू बिकॉज इट लीड टू आउटफ्लो फॉर एन एक्सचेंज बीओ पी इज अटॉक कंसेप्ट नहीं बीओ पी एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम मेजर करता है फॉल्स इट इज अ फ्लो कंसेप्ट बोरोइंग बाई गवर्नमेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस द बी ओ पी डेफिशेंट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ट्रू बिल्कुल सही बात है बोरोइंग कहाँ पर रिकॉर्ड होगी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसेट एंड पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन रेटिंग टू विजिबल आइटम अगेन फॉल्स है करंट अकाउंट के अंदर विजिबल इन विजिबल सारे रिकॉर्ड होंगे तो विजिबल इन विजिबल डेफिशेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट डेफिशेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो फॉल्स बी सिर्फ पार्ट है बी का सिंस वो सिर्फ विजिबल का पार्ट होता है बी ओ टी डज नॉट इंडिकेट नेचर अबाउट बी ओ पी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन कैपिटल अकाउंट ओनली फॉल्स ऑटोनोमस दोनों में हो सकता है करंट और कैपिटल अकोमोडेटिंग कैपिटल में होता है ऑटोनोमस दोनों तरफ हो सकता है Excess ऑफ फॉरन रिसिप्ट ओवर फॉरन एक्सचेंज पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अकोमोडेटिंग इक्वल deficit ऑफ बी ओ पी फॉल्स फॉरन एक्सचेंज और ज़्यादा है तो वो लीड टू deficit इन बी ओ पी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मशीन मैंने बताया था मशीन का मतलब है गुड्स तो ये हमेशा करंट में रिकॉर्ड होगा मशीन स्टैंड फॉर गुड्स तो देट इज रिकॉर्डेड इन करंट तुम्हारे माइंड में आ सकता है मशीन असेट है बट मशीन नॉर्मली बीओपी मानते हैं प्रोडक्शन का हमारा तो इट इज गुड्स तो रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ठीक है ना करंट अकाउंट ऑफ बी रिकॉर्ड ओनली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्ड एंड सर्विसेज करंट अकाउंट क्या सिर्फ ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसज नहीं हूं रिकॉर्ड करता है तो अगेंस्ट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉरन इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेडेड इन कैपिटल ट्रू फॉरन इन्वेस्टमेंट कैपिटल में रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इज रिकॉर्डेडेडेडेडेड इन कैपिटल अकाउंट फॉल्स प्रॉफिट करंट अकाउंट होगा इम्पोर्ट ऑफ मशीन रिकॉर्डेडे इन करंट अकाउंट अगेन ट्रू इम्पोर्ट ऑफ मशीन करंट में होगा ठीक है ना अब बचो ये ऐसे ही नीचे आपको रिविजन एक्सरसाइज में एमसी क्यू मिल जाएगा ये आप अपने लेवल पर कर लेना एमसी क्यू क्वाइट ईजी है ये आप लोगों से आराम से हो जाएगा ठीक है ना तो एमसी क्यू और वेरी शॉर्ट आंसर एक बार आप देख सकते हो फटाफट एक बार मैं वेरी शॉर्ट एक बार रीड कर देता हूँ बी ओ पी का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो इकनॉमिक ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करती है विदिन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड रेजिडेंट कौन होते 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 हैं इंडिविजुअल फर्म कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है विजिबल मतलब वो सारी चीज़ें गुड्स में होता है विच कैन बी सीन टच मेजर जूट कॉटन एट्सेट्रा इन विजिबल मतलब इसको देख नहीं सकते हैं जिसमें बैंकिंग शिपिंग इश्योरेंस सब आ जाता है एक्सपोर्ट पॉजिटिव आइटम की होती है क्योंकि इनफ्लो होता है तो क्रेडिट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफ्लेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम बिल्कुल सही बात है वट आर टू अल्टरनेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड ट्रेड बैलेंस ठीक है ना तो ये एक बार आप देख सकते हो वैसे आराम से कोई सिंपल क्वेश्चन हैं तो अब ये देख लेना ठीक है ना तो ये एक ओवरऑल आपको वैसे नोट्स मैंने दे रखे हैं पीडीएफ के अंदर ये आप एक बार रीड कर लेना जहाँ डाउट हो मेरे को आप व्हाट्सअप पे डाल देना ठीक है ना तो ये अपना ओवरऑल एक चैप्टर कंप्लीट होता है दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ठीक है ना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं वो करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के मैं आपको क्वेश्चन भी करा चुका हूँ और सारे कंसेप्ट ढंग से डिस्कस कर चुका हूँ ठीक है ना अब अगला जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे मैक्रो का वो होगा गवर्नमेंट बजट का ठीक है ना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से कर लेना और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो रिलेटिंग टू तो गवर्नमेंट बजट ठीक है चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक